हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय जैन एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट प्लानिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ ईमेल कैंपेन्स। इस सेशन में हम स्टडी करेंगे कि हमें कैंपेन कैसे क्रिएट करना होता है, या फिर हमने लास्ट सेशन में आपसे बोला था कि हम मेल चिम्प का सेशन देंगे आपको, तो इस सेशन में हम मेल चिम्प के सेशन से जो भी उसका वेबसाइट है उसके टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। गोल्स क्या होते हैं, ऑडियंस हमें किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, हमारा मैसेज किस तरीके से होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने सक्सेस को मेजर करना चाहिए, टेस्टिंग क्या करना है और हाउ मच कम्युनिकेशन इज टू मच। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारा जो सेशन है आज का हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारा जो मेल चिम्प का जो सेशन है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेल चिम्प के बारे में मैं आपको बता दूं कि mailchimp.com एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, और इसमें आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो जो mailchimp.com की साइट है आपको इसमें जाना होगा, इसमें अपनी ईमेल आईडी से इसमें रजिस्टर करना होगा। जब आप उसको रजिस्टर कर लेंगे तो आप वेरिफिकेशन लिंक भी आएगा, आप जब उसको वेरीफाई करा लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये संजय जैन मैंने अपने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया हुआ है, और अगर मुझे इसमें कुछ नोटिफिकेशन या मॉडिफाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, मेरा एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, या फिर मैं किस कंपनी में वर्क करता हूँ, या जो भी मेरा लिस्ट है वो कहाँ पर है। लिस्ट का मतलब जो हमें मुझे डेटा सेंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिएट कैंपेन की, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कैंपेन। तो क्रिएट कैंपेन से पहले एक जो ऑप्शन आता है टेम्पलेट क्रिएट करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग न्यूज़लेटर की भी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। अब क्रिएट टेम्पलेट में देखिए कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि बेसिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको सारा करना है। फॉर्मेट किस तरीके से लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अगर मैं बात करूँ एक ई कॉमर्स के लिए, तो ई कॉमर्स के लिए आप इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल का चाहिए तो आर्टिकल का ये स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर आपको केवल एक इमेज चाहिए तो आप उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट इट, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इसके अंदर कई सारे फीचर्स मिलेंगे जिससे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये लेफ्ट साइड पैनल है, ये जो भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सारा आ जाएगा, और ये कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कुछ फोटो अपलोड करना है तो मैं फोटो अपलोड कर सकता हूँ, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और इम्पोर्ट फ्रॉम ए यूआरएल इसमें से क्लिक कर लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट कोड से एक यूआरएल को इंपोर्ट कर लेता हूं, दिस वन एंड इंपोर्ट। एक इमेज का यूआरएल देना होगा, इसके लिए मैंने ये इमेज का यूआरएल कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस और इसमें पेस्ट कर दिया। हम चाहें तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए जैसे कि ये यहाँ पे एक फोटो आ गया, फोटो आते ही अभी नेक्स्ट जो हमें वर्क करना है वो हम यहाँ पे इसका टॉप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया दिस वन। जैसे कि अगर मुझे वेब डिजाइनिंग के लिए भेजना है, आर यू लुकिंग फॉर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, जो भी हमें फंक्शंस कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए सेम उसका अपडेट हो रहा है। अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, अगर मुझे उसका फॉन्ट बड़ा करना है या फिर स्टाइल चेंज करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। हेडिंग उनमें लेके आना है ये भी कर सकता हूँ, और भी कई सारे ऑप्शन है। अगर बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं तो ये भी मैं कर सकता हूँ। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये ऑप्शन अपडेट हो गया। प्लस अगर हमें इस कंटेंट को मॉडिफाई करना है तो ये भी हम कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपडेट किया कॉन्टैक्ट नाउ फॉर वेब, और यहां पे मैं ये कंटेंट एज इट इज रहने देता हूं, सेव एंड क्लोज अपडेट हो गया। अब इसके बाद में अगर मुझे ये जो लिंक्स को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है कि आपका जो ट्विटर का हैंडल है उसको अपडेट करो, तो मैंने यहां पे संजय वेब डिजाइनर लिंक टेक्स्ट फॉलो मे ऑन, इसी तरीके से हम फेसबुक का भी यहां पे राइट कर सकते हैं।
और फेसबुक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फेसबुक नेक्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे आप और भी कई सारे ऑप्शंस ले सकते हैं, ऐड रेंजर सर्विस में आप क्लिक करेंगे, आप ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, आप आरएसएस भी ले सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज करने पर ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो उसके इनबॉक्स में एड्रेस पहुंचना चाहिए, जो एड्रेस है डायरेक्टली पहुंच जाएगा कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल फ्रॉम दिस एड्रेस, राइट। सो कॉपीराइट करंट ईयर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और ये भी ऑटोमेटिक पिक कर लेता है यहाँ से। सो यहाँ पे अगर आप कुछ और अपडेट करना चाहें लाइक संजय वेब डिज़ाइनर तो भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका लाइक कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा कंटेंट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाइक सोशल शेयर की, तो आपको बस इसे ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये कोई भी इस कंटेंट को शेयर कर सकता है या फिर आगे फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे कि आपने ईमेल अकाउंट आपने यूज़ करते होंगे, आपके पास कोई ईमेल आया, आपने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ और मैं इसको देख लेता हूँ ये कैसे डिस्प्ले होगा। सेंड ए टेस्ट मेल भेजता हूँ मैं इसको, और मुझे यहाँ पे एक ईमेल आईडी ऐड करनी होगी 143। ये जो ईमेल आईडी है वो एक टेस्ट के लिए मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक टेस्ट मेल चला गया, योर टेस्ट मेल इज ऑन इट्स वे टू द टेस्ट रिस्पॉन्स ईमेल टेस्टिंग टिप्स। तो ये ईमेल चला गया। अब मैं इसका प्रीव्यू भी देख लेता हूँ, इंटर प्रीव्यू मोड। अब जब लोगों के पास जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा उनको, देखिए इस तरीके से डिस्प्ले होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेलर इसी तरीके से होते होंगे। मोबाइल में अगर ओपन करें कि ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होता है, तो मोबाइल में भी ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वो अगर इनबॉक्स अपने अकाउंट या फिर ईमेल आईडी में ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये जो कंटेंट है ये हमारे पास आ चुका है, जो मेल चीम से मैंने किया था, और डिस्प्ले इमेज कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये कंटेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये है आपका एक न्यूज़लेटर, ये है आपका एक मेलर। तो मेलर बनाने के लिए आप जो टूल हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया, प्लस जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं या फिर जो कंटेंट डेवलपर जो मेलर बनाते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कंपनी में हैं तो आप कंपनी में आप उनको बता सकते हैं कि आप एक न्यूज़लेटर आपको बनवाना है, तो आपको क्रिएट करा देंगे। तो इस टैम्पलेट को सेव करने के लिए मुझे एक नेम देना होगा, तो मैंने इसको नेम दिया टेस्ट वन। सेव किया और ये कंटेंट सेव हो गया। इस तरीके से तो हमारा एक टैम्पलेट क्रिएट हो गया। अब हम अगर बात करें लिस्ट की, तो जैसे कि हमें किसी को अगर मेलिंग करना है तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, ईमेल आईडीज होनी चाहिए। क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब क्रिएट लिस्ट पे बोलेगा कि इसका लिस्ट का नेम क्या है। लिस्ट का मैंने नेम दे दिया टेस्ट फ्रॉम ईमेल। अगर जाएगा तो किस नेम से जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी की डिटेल्स देते हैं लाइक info@sanjaywebdesign.com, क्योंकि हमारे टेस्ट है तो हम इसको कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि आई एम सेंडिंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ आवर वेबसाइट। तो इससे क्या होगा, किसी को भी अगर मेल रिसीव होगा तो वो जस्ट शॉक नहीं होगा कि ये मेरे अकाउंट में मेल कैसे आ गया। कंपनी का नेम ऑटोमेटिक जो मैंने स्टार्टिंग में पिक सेव किया था वो डिटेल आ गया यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे सेव ऑप्शन, अब जैसे मैं सेव करता हूँ, आपका ये जो लिस्ट है ये क्रिएट हो गया है। अब इस लिस्ट में मुझे अब डिटेल्स ऐड करनी होगी या फिर मुझे ईमेल आईडी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ऐड सब्सक्राइबर या फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हमें कोई भी जो भी एक लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे अपलोड करना चाहें, या फिर अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो हम यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक संजय एट द रेट संजय वेब डिजाइनर डॉट कॉम। ओके, तो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नहीं कर सकते, मुझे हम वन टाइम में वन ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऑप्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जो मेल चिंप है ये आपसे बोलता है कि इस पर्सन परमिशन दिया है नहीं दिया, क्योंकि इसमें ये बहुत ही सिक्योर होते हैं और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि अगर आप जो ईमेल आईडी है आप इनको ईमेल कर रहे हो तो उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, परमिशन लिया है, वो आपके डेटाबेस से हैं, केवल इसलिए जरूरी होता है। और इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप
विदाउट परमिशन उन लोग को ईमेल कर देंगे, तो चांसेस है कहीं ना कहीं वो उसको आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दें। तो मैं सब्सक्राइब पे क्लिक किया और एक पर्सन अभी हमारे इस लिस्ट में ऐड हो गया, मिशन ये अकॉम्प्लिश और ये ऐड हो गया। तो इसी तरीके से हम और भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंपेगेंस की। कैंपेगेन आपको अगर क्रिएट करना है तो इसके लिए क्रिएट कैंपेगेन। अब कैंपेगेन में ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको मेल सेंड करना है रेगुलर कैंपेगेन, जैसे मैंने बताया था आपको एचटीएमएल प्लेन टेक्स्ट का होता है। तो अभी मैं रेगुलर कैंपेगेन ले लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक आपके सामने ही एक टैंपलेट बनाया था। टेस्ट होना बोल रहा है कि आप किस लिस्ट में करना चाहते हो, कि अभी हमने एक लिस्ट बनाया था टेस्ट के नेम से और उसमें एक ईमेल आईडी भी ऐड किया था संजय@संजयवेबडिजाइनर के नेम से, तो उस पर्सन को जाएगा। नेक्स्ट किया मैंने इसमें। अब बोला आप इसने कैंपेन का नेम दो, क्योंकि जो कैंपेन का नेम है वो आप अपने डैशबोर्ड के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो मैंने इसका नेम दिया टेस्ट कैंप। ईमेल सब्जेक्ट, जब लोगों के पास जाएगा तो सब्जेक्ट में क्या नोट होगा, तो सब्जेक्ट में आप राइट कर सकते हैं लाइक लुकिंग फॉर वेब कोर्स फ्रॉम संजय वेब डिजाइनर, और ईमेल आईडी जो भी आपने वेरीफाई किया होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि ये जो ईमेल आईडी है जीमेल का है। अगर आपको प्रॉपर एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप अपनी कंपनी का एक ईमेल आईडी लो, तो उससे बेस्ट रहता है। सो यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक इसको आप ट्रैक करना चाहते हो या फिर यू नो गोल ट्रैकिंग, ये प्रीमियम फीचर्स हैं, इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं इस पे ऑप्शन। अभी बोल रहा है कि अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और प्लस जो आपने सेव किया, जैसे ये मैंने सेव किया था तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट ओके, ये आ गया और मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए। अभी बोल रहा है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे एरर होगा तो बता देगा कि ये एरर है, और इन केस अगर नहीं है तो आप सेंड पे क्लिक करते ही ये चला जाएगा यहाँ पे सेंड नाउ एंड गॉन। ओके, तो हम इस तरीके से हम यहाँ से कैंपेगिन क्रिएट करते हैं, टैंपलेट्स क्रिएट करते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट सारे ईएसपी ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर में सेम होता है। पहले कैंपेगिन क्रिएट करना, टैंपलेट बनाना, लिस्ट अपलोड करना, वेरीफाई कराना, इसको सेव करना और इसको ब्लास्ट करना। तो ये जो मैंने आपको बताया मेल चिम का, ऐसे ही जो मोस्ट पॉपुलर जो टूल है उसका नेम है इंटरस्पायर। मैं उसकी वेबसाइट ओपन करके बता देता हूँ आपको, इंटरस्पायर.com। ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है ये। तो ये इंटरस्पायर एक ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, कई सारी कंपनीज में इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट फ्री, इसको यूज करने के लिए आपको पे करना होगा। इट्स समथिंग लाइक $1500 और मे बी मोर देन दैट, क्योंकि इसके प्राइसिंग हमेशा बढ़ते रहते हैं। कई सारे फीचर्स भी होते हैं और कई सारी कंपनी ने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। मैं आपको इसके जो इमेजेस हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे भी सेम आ रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड करना, ईमेल कैंपेन, कस्टम फील्ड, फॉर्म का सेक्शन आ रहा है। इस सेक्शन में आते हैं, जो भी आप ईमेल आईडी अपलोड करेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ईमेल या डेट आपने क्या ऐड किया हुआ है। प्लस आप कोई टैम्पलेट बनाना चाहते हैं तो देखिए इसमें भी सेम फंक्शन है जो हमारा मेल चिम पे था। इसमें भी एक एचटीएमएल एडिटर है जिसकी हेल्प से आप HTML एक मेलर डिजाइन कर सकते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर भी कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब ये होता है कि आप यू नो मेल सेंड करते हैं, जब भी कोई एक स्पेशल इवेंट आया तब ऑटोमेटिक एक मेल चला गया, या फिर आपकी वेबसाइट में किसी ने साइन अप किया तो ऑटोमेटिक एक मेल चला गया, एक काइंड ऑफ रिमाइंडर यू कैन से। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। तो मेल चिम्प में भी आप यूज कर सकते हैं, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सो इसमें अगर हम बात करें कि आपके गोल्स क्या हैं, गोल्स आपका एक होना चाहिए लाइक कि कन्वर्जन कैसे होगा। और ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा कन्वर्जन होता है, सबसे पहला कन्वर्जन, कि जो ईमेल आपने ब्लास्ट किया है वो यूजर के अकाउंट इनबॉक्स में पहुंचना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप 100 ईमेल करते हैं तो इनबॉक्स में पहुंचने की, अगर डेटा अच्छा है फिर तो 24-25 ईमेल पहुंच जाएंगी, 100 में से 24-25 ईमेल। और इन केस अगर डेटा अच्छा नहीं है तो 1-2 ईमेल ही पहुंचती हैं। ये इसलिए है क्योंकि टू अवॉइड स्पैमिंग और कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन और आईपी का भी सारा गेम है ये।
प्लस आपका ऑडियंस कौन सा होना चाहिए, आपका जो भी ऑडियंस है, लाइक जो भी आप, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ ईमेल आईडीज होनी चाहिए वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक कोई भी इवेंट कंपनी का ईडीएम बना रहे हैं, तो आपके पास एक सीईओ एंड फाउंडर का डिटेल होना चाहिए, या फिर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली में टारगेट कर रहे हैं, न्यू दिल्ली के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका डेटा होना चाहिए आपके पास। अगर मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस में आप न्यूज़ लेटर में कोई स्पेशल इवेंट या कोई, जैसे कि अगर न्यू ईयर है तो उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। आप दोनों को मिक्स करके न्यू ईयर गिफ्ट आइटम्स या गिफ्ट आइडियाज कुछ इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी उनको एक एक पर्सनल फील मिलता है। प्लस हाउ डू यू स्पेल योर सक्सेस, आप अपने सक्सेस को काउंट कैसे करोगे, कैसे स्पेल करोगे, तो इस यहाँ पे सक्सेस का मतलब है कि सेल्स एंड लीड्स, तो कैसे आप उसको जनरेट कर रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करूँ तो उसमें लाइक आप उसको एवेलेट करते हो, ओपन रेट कितना मिल रहा है, उसका क्लिक थ्रू रेट कितना है, अनसब्सक्राइब कितना मिल रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको, जो आपका डैशबोर्ड होता है आपके ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर में, वहां से आप चेक कर सकते हो, और वहीं से आप ये आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपने जो भी अभी तक ईमेल मार्केटिंग यूज किया है या ब्लास्ट किया है, वहां से कितने आपको कन्वर्जन मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मान लिया आपने एक ईमेल किया, लाइक ब्लास्ट कर दिया, और जो सब्जेक्ट लाइन थी, सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखा लुकिंग फॉर वेब डिजाइनिंग कोर्स, आपको कन्वर्जन 5% मिला। देन आपने लिखा कि आर यू लुकिंग फॉर वेब डिजाइनिंग कोर्स, पहले आपने लुकिंग लिखा, देन आपने लिखा आर यू लुकिंग, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। आर यू लुकिंग के साथ आपका कन्वर्जन नेम हो गया लाइक 10%, ओपन रेट 10% हो गया। फिर आपने लिखा हाय संजय आर यू लुकिंग फॉर, अब आपने उस ईमेल आईडी के पर्सनल नेम को ऐड कर दिया, तो उससे कन्वर्जन रेट और भी, ओपन रेट और भी अच्छा हो गया। तो हमेशा ही टेस्टिंग करते रहना चाहिए, अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा एक ओपन रेट अच्छा नहीं मिलेगा, हमको क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। सो हाउ मच कम्युनिकेशन इज टू मच, कितना ज़्यादा हमें ब्लास्ट करना चाहिए, मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम ब्लास्ट करते ही जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि यूज़र उसको अनसब्सक्राइब कर देता है अगर वो रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें वो इसको स्पैम में भी क्लिक कर सकता है। सो लाइक क्लिक थ्रू रेट, या फिर अगर हम अनसब्सक्राइब की बात करें तो ठीक है, लेकिन कस्टमर फीडबैक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि आप अपने जो जिन लोगों को आप ईमेल कर रहे हो उनको आप जानो वो किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर एक फीडबैक का भी एक लिंक वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके सो अपने आप प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, अपने कस्टमर के बारे में सोचो वो उसको कैसे यूज़ करेंगे, देन आप उसको कम्युनिकेट करो, देन आप उनको ईमेल ब्लास्ट करो। तो ये जो सेशन था हमारा प्लानिंग एंड डिलीवरिंग ईमेल कैंपेन इसका, नेक्स्ट सेशन हमारा है ऑनलाइन कस्टमर एक्शन का। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।